गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन ENGCE 201 नॉ डेज वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर विच इज़ द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज टुवर्ड्स क्रिएटिंग पार्टी फ्री वर्ल्ड. और इसमें मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से जो बांग्लादेश के गरीब लोग थे उनको अपलिफ्ट किया उसके बारे में उन्होंने बताया है. ठीक है, उन्हें फर्स्टली व्हाट डिड ही से दैट पार्टी इज़ यू नो इट इज़ अ डिनायल ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स. वी अग्री विद दिस कि अगर गरीबी होगी तो लोग क्या करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, उल्टे काम करेंगे, चोरी करेंगे. ठीक है, उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक वॉज लॉन्च, जिसमें 16 पॉइंट प्रोफॉर्मा था, लेडीज़ को लोन दिए गए, उनका क्या इंटरेस्ट लोन का रिटर्न रहा और किस तरह से उन्होंने ग्रोथ किया. उसके बाद सेकंड जनरेशन कौन सी थी, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी था, फिर उनको स्कॉलरशिप्स दिए गए, फिर उनको लोन्स दिए गए, बच्चे सेटल हो गए. उसके बाद बैगर्स कैन टर्न टू बिज़नेस, बैगर्स को छोटे छोटे लोन दिए गए और इंटरेस्ट रेट फ्री लोन दिए गए और उन्होंने बिज़नेस करना शुरू किया. उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने ग्रामीण बैंक फोन इंट्रोड्यूस किया, ग्रामीण फोन को इंट्रोड्यूस किया और नॉर्वेजियन जो एक कंपनी थी टेलिनो और ग्रामीण टेलीकॉम ऑफ बांग्लादेश ने कलेबोरेशन में शुरू किया. फ्री मार्केट इकोनॉमी में उन लोगों को चांस दिया गया जो वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. और इसमें उन्होंने रखा कि अगर आप प्रॉफिट मोटिव लेके एक तरह से चलते हो कि अगर आपने अकेले ही अर्न करना है और अकेले ही उसको कंज्यूम करना है, दैट इज़ डिफरेंट. अगर आप शेयर करते हो दूसरों के साथ तो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी. तो दो पॉइंट्स पे उन्होंने कंसंट्रेट किया था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड डूइंग गुड टू द पीपल एंड द वर्ल्ड. वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू जो है वो कन्वे करने की अपना 100% जो है वो एफर्ट्स किए हुए. अब ग्रामीण सोशल बिजनेस, ग्रामीण का जो सोशल बिजनेस था, इवन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंपनीज कैन बी डिज़ाइंड एज सोशल बिजनेसेस. कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंपनीज जो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती है उनको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं सोशल बिजनेसेस में, बाय गिविंग फुल और मेजॉरिटी ओनरशिप टू द पुअर. गरीबों को मेजॉरिटी ओनरशिप दे देंगे. अब जो है वो अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग में भी जा रहे हो तो इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे उनकी लाइफ जो है वो आराम से चलेगी. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेकेंड टाइप ऑफ सोशल बिजनेस. एक दूसरी तरह का सोशल बिजनेस था. ग्रामीण बैंक फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल बिजनेस. ग्रामीण बैंक जो है वो सोशल बिजनेस की कैटेगरी में आता है. ठीक है, द पुअर कुड गेट द शेयर्स ऑफ दिस कंपनीज एज गिफ्ट्स बाय डोनर्स. पुअर जो लोग थे अब उनके पास पैसा तो था नहीं, तो वो कहाँ से उनको शेयर मिल रहा था, इधर गिफ्ट्स बाय डोनर्स, डोनर्स ने जो गिफ्ट दिए थे वो, और दे कुड बाय द शेयर्स विद देयर ओन मनी, या फिर थोड़ा बहुत जो उन्होंने कमाया था उससे वो शेयर्स बैंक के परचेज कर रहे थे. द बॉर्स बोरोअर्स विद देयर ओन मनी बाय ग्रामीण बैंक शेयर्स. बोरोअर्स अपने पैसे थे से उन्होंने लोन लिया था बैंक से, अपने पैसे से वो ग्रामीण बैंक के शेयर्स जो थे वो ले रहे थे. विच कैंट बी ट्रांसफर टू नॉन बोरोअर्स, जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे. सपोज़ मैंने बोरो किया है, मैं शेयर ले रही हूँ, मैं सोचूं कि मैं किसी एक्स वाई जेड को उसको दे दूंगी जो नॉन बोरोअर है, नहीं जाएगा. वो बोरोअर का शेयर जो है वो बोरोअर को ही जाएगा, यानी कि सर्कुलेशन अंदर ही रहेगा पैसे का. अ कमिटेड प्रोफेशनल टीम डज द डे टू डे रनिंग ऑफ द बैंक. एक प्रोफेशनल टीम जो थी वो बैंक को रन कर रही थी. ईच एंड एवरीथिंग वॉज बींग एस्टैब्लिश्ड बायलेटरल द्विपक्षीय एंड मल्टीलेटरल डोनर्स, या मल्टीलेटरल अलग अलग तरह के जो मल्टीपल टाइप ऑफ डोनर्स थे, दे कुड ईजिली क्रिएट दिस टाइप ऑफ सोशल बिजनेस. वो इस तरह के सोशल बिजनेस को आराम से क्रिएट कर सकते थे. व्हेन अ डोनर गिव्स अ लोन और अ ग्रांट टू बिल्ड अ ब्रिज इन द रिसिपिएंट कंट्री, जब एक डोनर कोई ग्रांट देता है, लोन देता है रिसिपियंट कंट्री यानी रिसीव करने वाली कंट्री को कि तुम एक पुल बना लो, इट कुड क्रिएट अ ब्रिज कंपनी ओन्ड बाय द लोकल पुअर. तो उसमें क्या था कि वो एक ब्रिज कंपनी फॉर्म होती है किस तरह से, जिसमें गरीब लोगों का जो है वो ओनरशिप रहता है, क्योंकि गरीब लोगों के जो है वो शेयर्स हैं उसमें. ठीक है, अ कमिटेड मैनेजमेंट कंपनी कुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द कंपनी. एक कमिटेड जो अपने वादे कि पक्की हो, ऐसी मैनेजमेंट कंपनी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं एक कंपनी को रन करने की. प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल गो टू द लोकल पुअर एज डिविडेंड. गरीब लोगों का पैसा लगा, ठीक है, तो जो लोग प्रॉफिट आ रहा था वो जाएगा गरीब आदमी को. जो उसकी मेन इन्वेस्टमेंट है वो वहीं रहेगी, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट जाएगा उसको. ठीक है, एंड टूवर्ड्स बिल्डिंग मोर ब्रिजेस. जब प्रॉफिट जाएगा मेन और
जो मेन अमाउंट है वही रहेगा, तो उससे क्या होगा, और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन होगी। मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, यूटिलिटी कंपनीज़ कुड ऑल बी बिल्ट इन दिस मैनर। तो इस तरह से बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम ग्रो कर सकते हैं। ग्रामीण हैज़ क्रिएटेड टू सोशल बिजनेसेस ऑफ द फर्स्ट टाइप, पहली टाइप के जो है वो दो सोशल बिजनेस क्रिएट किए। वन इज़ अ योगर्ट फैक्ट्री। योगर्ट पता है क्या होता है, हैंग्ड कर्ड समझते हो, कर्ड क्या होता है, दही। कर्ड को कई बार हम कपड़े में लटका देते हैं ना, वो पूरा जो है वो उसका पानी निकल जाता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल हैंग्ड कर्ड। तो योगर्ट इज़ लाइक दैट, टू प्रोड्यूस फोर्टिफाइड योगर्ट टू ब्रिंग न्यूट्रिशन टू द मेल न्यूट्रिश चिल्ड्रन, जो कुपोषित बच्चे थे उनको न्यूट्रिशनल जो वैल्यू देने के लिए उस योगर्ट कंपनी को लाया गया, ठीक है। योगर्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई इन अ जॉइंट वेंचर विद डैनोन। डैनोन का आपके यहाँ भी आता है ज्वालाजी में कर्ड वगैरह, तो डैनोन के साथ जो था एक कमिटमेंट हुआ, एक डील हुई। इट विल कंटिन्यू टू एक्सपैंड अंटिल ऑल मेल नरिश चिल्ड्रन ऑफ द बांग्लादेश आर रीच्ड विद दिस योगर्ट। और डील ये थी कि जब तक सारे बच्चों को योगर्ट नहीं मिलता है, जब तक सारे बच्चे मेल नरिश से ऊपर नहीं आते, तब तक वो कंपनी जो है वो योगर्ट सप्लाई करेगी। अनदर इज़ अ चेन ऑफ आई केयर हॉस्पिटल्स। अब देखो न्यूट्रिशन का तो हो गया, अब हेल्थ का भी तो कंसेप्ट है ना, तो एक जो चेन थी वो क्या थी, आई केयर हॉस्पिटल्स की। ईच हॉस्पिटल विल अंडरटेक 10,000 कैटोरेक्ट सर्जरीज पर ईयर। 10,000 जो मोतिया होता है, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट झरना भी होता है, मोतिया भी, यहाँ मोतिया है कि 10,000 कैटरेक्ट सर्जरीज हर साल होंगी एट डिफ्रेंशिएटेड प्राइसेस टू द रिच एंड द पुअर। अमीर लोगों से ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे, खर्चा लिया जाएगा, और गरीब लोगों से सिर्फ मिनिमल खर्चा लिया जाएगा जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सोशल स्टॉक मार्केट इज़ द नेक्स्ट थिंग, टू कंटिन्यू इन्वेस्टर्स विद सोशल बिजनेस, कि जो इन्वेस्टर्स जो थे वो धन लगाने वाले लोग जो थे सोशल बिजनेस में, वी नीड टू क्रिएट सोशल स्टॉक मार्केट। अब सोशल स्टॉक मार्केट की भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ शेयर्स का लेन देन होता है, वेयर ओनली द शेयर्स ऑफ सोशल बिजनेसेस विल बी क्रिएटेड, जहाँ पे सिर्फ जो सोशल बिजनेस है, सामाजिक बिजनेस, उसके शेयर ट्रेड होने थे। एंड इन्वेस्टर विल कम टू दिस स्टॉक एक्सचेंज विद अ क्लियर इंटेंशन। एक इन्वेस्टर या पैसे लगाने वाला इस स्टॉक बिजनेस में आएगा, स्टॉक एक्सचेंज में, विद क्लियर इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग अ सोशल बिजनेस, कि उसको एक सामाजिक बिजनेस करना है, विच हैज़ अ मिशन ऑफ हिज लाइकिंग, जिसको अपनी लाइकिंग का मिशन मिल रहा है, इस सोच के साथ जो एक इन्वेस्टर आएगा। एनी वन हु वॉन्ट्स टू मेक मनी, जो जिस इंसान को पैसे बनाने हैं, विल गो टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक मार्केट, वो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में जाएगा, जिसको शेयर्स बेच के पैसे, शेयर्स पे लगा पैसा लगा के प्रॉफिट कमाना है। और एक इंसान को अगर सोशल बिजनेस करना है, सामाजिक भलाई का कार्य करना है, तो वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आएगा। टू इनेबल अ स्टॉक एक्सचेंज, और एक स्टॉक एक्सचेंज को एफिशिएंट बनाने के लिए, टू परफॉर्म प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपर परफॉर्म करे, वी विल नीड टू क्रिएट रेटिंग एजेंसीज। हमें क्या ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ेगी रेटिंग एजेंसीज की, जो रेटिंग करेगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी, कुछ एक टर्म्स चेंज होंगी हमारी, जो डेफिनेशंस हैं चेंज होंगी, डेफिनेशंस, इम्पैक्ट, मेजरमेंट टूल्स, कुछ मेजरमेंट टूल्स पे फ़र्क पड़ेगा, रिपोर्टिंग फॉर्मेट चेंज होगा, एंड न्यू फाइनेंशियल पब्लिकेशंस, और कुछ नई पब्लिकेशंस आएंगी, जैसे कि सोशल वॉल स्ट्रीट जर्नल। बिजनेस स्कूल विल ऑफर न्यू कोर्सेज, बिजनेस स्कूल में नए कोर्सेज ऑफर होंगे, क्योंकि अब लोकल जो आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो क्या होगी, वो दैट इज़ मेंट फॉर सोशल स्टॉक मार्केट, वो सोशल स्टॉक मार्केट होगी अब, ठीक है। बिजनेस स्कूल्स विल ऑफर न्यू कोर्सेज इन बिजनेस मैनेजमेंट डिग्रीज ऑन सोशल बिजनेस, सोशल बिजनेस पे मैनेजमेंट डिग्रीज, नए कोर्सेज ऑफर होंगे टू ट्रेन यंग मैनेजर्स, यंग मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए, हाउ टू मैनेज सोशल बिजनेस एंटरप्राइजेज, कि किस तरह से सोशल बिजनेस एंटरप्राइजेज को मैनेज करना है इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर, बहुत एफिशिएंट तरीके से। एंड द मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा टू इंस्पायर देम, उनको क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है टू बिकम सोशल बिजनेस एंटरप्रेन्योर देमसेल्स, ताकि वो सोशल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बने खुद ही, और अपने आप को वो उस डायरेक्शन में लाएं। रोल ऑफ सोशल बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन, जो क्या बोल सकते हैं इसको, वैश्वीकरण, विच वी कॉल ग्लोबलाइजेशन, है ना। आई सपोर्ट ग्लोबलाइजेशन, कि मुझे वैश्वीकरण पसंद है, सारे विश्व में डिवेलपमेंट होनी चाहिए। बिलीव इट कैन ब्रिंग मोर बेनिफिट्स टू द पुअर दैन इट्स ऑल्टरनेटिव,
कि गरीबों के लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ है, बट इट मस्ट बी द राइट काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन. लेकिन ग्लोबलाइजेशन सही तरीके से होनी चाहिए. टू मी, मेरे लिए ग्लोबलाइजेशन इज़ लाइक अ 100 लेन हाईवे क्रिस क्रॉसिंग द वर्ल्ड. 100 लेन वाला हाईवे है हमारे पास, क्या है, डबल लेन हाईवे है. अभी ज्वाला जी में एक गाड़ी आती है एक जाती है, 4 लेन आई हैव सीन, 4 लेन का तो मैंने देखा है, जहाँ 2 में गाड़ियाँ आती हैं और 2 में गाड़ियाँ जाती हैं. लेकिन ये बात कर रहा है 100 लेन हाईवे की, क्रिस क्रॉसिंग द वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड को उलझाया है, क्रिस क्रॉस किया है. इफ़ इट इज़ अ फ्री फॉर ऑल हाईवे, अगर वो हाईवे सभी के लिए फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, इट्स लेन्स विल बी टेकन ओवर बाय द जायंट ट्रक्स फ्रॉम पावरफुल इकोनॉमीज़, तो क्या होगा, इसकी जो लेन्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं पावरफुल इकोनॉमीज़ के वो आ जाएंगे. ज़्यादा पैसा वहाँ कौन लगाएंगे, जो अमीर देश हैं. जब अमीर देश ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो उनका जो जिस हिसाब से पैसा लगेगा वो छोटे कंट्रीज़ के लिए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना सस्टेन करना. वहाँ पे अमीर देश जो है वो तरह तरह से लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, छोटी इकोनॉमीज़ को इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा. तो वो एग्ज़ाम्पल दिया है, इन ऑर्डर टू हैव अ विन विन ग्लोबलाइजेशन, विन विन सिचुएशन कहाँ है, क्या होती है, जहाँ मेरा भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, दैट इज़ कॉल्ड विन विन सिचुएशन. वी मस्ट हैव ट्रैफिक रूल्स. अगर हम ये चाहते हैं कि जिस देश में पैसा लगा है और जिसने पैसा लगाया है दोनों को फ़ायदा हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे, ट्रैफिक पुलिस एंड ट्रैफिक अथॉरिटी फॉर दिस ग्लोबल हाईवे. तो ट्रैफिक पुलिस कुछ रेगुलेटरी बनानी पड़ेगी, कुछ अथॉरिटी रखनी पड़ेगी, तब हमारा ग्लोबल हाईवे आराम से चलेगा. रूल्स ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट टेक इट ऑल, एक रूल है स्ट्रॉन्गेस्ट टेक इट ऑल, माइट इज़ राइट का जो रूल है, तो वो क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस. स्ट्रॉन्गेस्ट टेक इट ऑल, कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गर नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो सब कुछ ले जाएगा. इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द रूल्स, तो उस रूल को रिप्लेस करने की ज़रूरत है. दैट एंश्योर, जो क्या इंश्योर करता है, दैट द पुअरेस्ट हैव द प्लेस एंड द पीस ऑफ एक्शन, कि जो गरीब लोग हैं उनके पास स्पेस भी है और वो एक्शन भी कर सकते हैं, एक्ट अपॉन करके वो कुछ काम भी कर सकते हैं. मीन्स वही जो मैं आपसे 2 लाइंस पीछे बात कर रही थी, कि अगर सपोज़ एक गरीब देश में अमीर, एक देश में गरीब और अमीर सारे देश इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा, अगर नॉर्मल वे में हम देखें तो क्रिस क्रॉस हो जाएगा, उलझन हो जाएगी. जो अमीर देश हैं वो ऑफर्स भी देंगे कंपनीज़ के थ्रू और बहुत सी चीज़ें हमें ऑफ़र करेंगे, तो लोग क्या करेंगे, जो गरीब देशों की मार्केट है ना वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि वो लोग तो किसी लिमिट तक ही नीचे आ पाएंगे ना, क्योंकि उनको अपनी इकॉनमी को स्ट्रेंथन करना है. तो इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स की ज़रूरत है. जहाँ ग्लोबलाइजेशन है तो वहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग या अमीर नेशंस को ही फॉलो करेंगे तो हमारी जो वीक या गरीब नेशंस हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी. सो विदाउट बींग एल्बोड आउट बाय द स्ट्रॉन्ग, तो क्या है, रूल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक इट ऑल मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द रूल्स. कौन से रूल्स, दैट एंश्योर दैट द पुअरेस्ट हैव अ प्लेस एंड पीस ऑफ एक्शन, कि लोग, गरीब लोगों की जगह है और वो एक्ट अपॉन चीज़ों को कर सकते हैं. विदाउट बींग एल्बोड आउट बाय द स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रॉन्ग उनको एल्बो आउट करके, यानी कि बाजू से धक्का मार के बाहर कर देंगे. ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट बिकम फिनेंशियल इम्पेरियलिज्म, जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक फिनेंशियल इम्पेरियलिज्म नहीं होना चाहिए. उसमें क्या है, इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि फिनांस के मैटर्स में, कि जो अमीर है उसको ज़्यादा शेयर और जो गरीब है उसको कुछ नहीं मिलेगा. पावरफुल मल्टीनेशनल सोशल बिजनेस, जो पावरफुल मल्टीनेशनल सामाजिक बिजनेस है, इट कैन बी क्रिएटेड, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं टू रिटेन द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट को ले सकते हैं फॉर द पुअर पीपल एंड पुअर कंट्रीज, गरीब देश और गरीब लोगों के लिए हम कैसे ये बेनिफिट ले सकते हैं. सोशल बिजनेसेस विल इधर ब्रिंग ओनरशिप टू द पुअर, जो सामाजिक बिजनेस है या तो वो गरीब लोगों को ओनरशिप देगा और कीप द प्रॉफिट विद इन पुअर कंट्रीज, या तो जो प्रॉफिट है वो गरीब देशों में ही रहेगा. ये कंसेप्ट पीछे किया था ना हमने, जो ग्रामीण बैंक वाला जो हमने कंसेप्ट किया था, कि इन्वेस्टमेंट होगी, आप इन्वेस्टमेंट बेसिक निकाल सकते हो लेकिन प्रॉफिट जो है वो वहीं पर रोटेट होता रहेगा, ठीक है. सिंस टेकिंग डिविडेंड्स विल नॉट बी देयर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जो प्रॉफिट या डिविडेंड लेना है वो उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होगा. डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, बाई फॉरन सोशल बिजनेस विल बी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर रिसिपिएंट कंट्रीज, रिसीव करने वाली कंट्रीज़ के लिए जो डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट है बाई फॉरन सोशल बिजनेस, वो एक बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ होगी। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज इन द पुअर कंट्रीज़ बाई प्रोटेक्टिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट फ्रॉम प्लंडरिंग कंपनीज़ की स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज़ बनानी है कहाँ, पुअर कंट्रीज़ में, किस तरह से उनके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है उन कंपनीज से जो उनको लूटना चाहती हैं। इट विल बी अ मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सोशल बिजनेस, सामाजिक बिजनेस के लिए एक मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो हम लोगों का ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है और रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू। सो टेक केयर।